मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि नगरोटा वकवा की जनता ने 25 साल बाद बदलाव किया है और भाजपा का विधायक शिमला भेजने पर बधाई दी और कहा कि नगरोटा वकवा में कोई भी बदले की भावना से कार्य नहीं होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो नगरोटा में संस्थान जो आधे अधूरे हैं और उसमें विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उनके बारे में नीति बनाई जाएगी, इन संस्थानों को बंद नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो मंदिरों में चढ़ावा चढ़ता है उन पैसों को पब्लिक के कार्यों में और मंदिर प्रांगण के लिए खर्च किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पूर्व सरकार ने जो शिक्षण संस्थान खोले थे उन्हें बंद किया जाएगा या नहीं किया जाएगा इस पर सोच विचार करने की बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार बदले की भावना से कोई भी काम नहीं करेगी। अगर कोई शिक्षण संस्थान बंद करना है या नहीं करना है इसके बारे में पहले ये तय किया जाएगा कि उच्च शिक्षण संस्थान के बंद होने से क्या वहाँ के युवाओं को कोई नुकसान तो नहीं होगा, उनकी शिक्षा में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मानवीय दृष्टि से यह तय किया जाएगा कि जो संस्थान पूर्व की सरकार ने खोले हैं वो चलने लायक हैं भी या नहीं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि जो शिक्षण संस्थान चलने लायक होंगे उन्हें चलाया जाएगा ताकि बच्चों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ ना हो सके। मुख्यमंत्री ने अफसोस जताते हुए कहा कि पूर्व सरकार ने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया और ऐसे संस्थान खोले जहां पर युवाओं को किसी भी प्रकार की सुविधाएं प्रदान नहीं की गई। उन्होंने कहा कि इस प्रकार का खिलवाड़ बच्चों के भविष्य के साथ नहीं किया जाना चाहिए था। प्रदेश के मंदिरों में और धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए जाने वाले पैसों के बारे में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि जो चढ़ावा मंदिरों में चढ़ता है वो लोगों की श्रद्धा से जुड़ा है और उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि उस चढ़ावे का पब्लिक हित में होना चाहिए, यानी पब्लिक के विकास के लिए पैसे का प्रयोग किया जाना चाहिए और इस बात को सुनिश्चित किया जा रहा है जो चंदा या चढ़ावा मंदिरों में चढ़े उसका उपयोग प्रदेश की जनता के विकास के लिए किया जा सके। आवारा पशुओं की स्थिति को लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि इस बारे में सब कमेटियों का गठन पहले ही कैबिनेट मीटिंग में किया जा चुका है। किस प्रकार से आवारा पशुओं को बसेरा मिल सके इस बात को सुनिश्चित किया जा रहा है और साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने मंदिरों, एनजीटीओ ट्रस्ट और ऐसे सामाजिक संस्थानों से आग्रह किया है कि वह गौ संरक्षण और संवर्धन के लिए आगे आए ताकि गांव का संरक्षण किया जा सके और उसे बसेरा मिल सके। जो भी किस प्रकार के संस्थान खोले गए हम उसमें सारी चीजों को अध्ययन कर रहे हैं कि उसमें संस्थान खोलने के बाद वो चलने की स्थिति में है कि नहीं। हमने कहा कि बदले की भावना से काम नहीं करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी संस्थान खुले हैं, बच्चों ने अगर एडमिशन ली है, मानवीय दृष्टिकोण से हम उस बात पर निश्चित रूप से विचार करेंगे कि बच्चों का भविष्य उसमें बर्बाद ना हो और किसी वजह से उनको कोई दिक्कत ना हो, और जो भी उसमें करने की स्थिति में होंगे हम वहां करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मुझे इस बात को लेकर के बहुत अफसोस है और पीड़ा भी है कि नौजवानों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया, संस्थान खोल दिया गया और जो चीजें आवश्यक उसमें थी करने की नहीं गई और उस दृष्टि से उनका भविष्य जो अंधकार में डालने की जतन जो कोशिशें हुई है वो नहीं होनी चाहिए। सर एक महत्वपूर्ण सवाल है, देवभूमि हिमाचल में पांच कई बड़ी मंदिरें हैं जहां पे चढ़ाए गए चढ़ावा और जीवन जवरात का अभी तक प्रजातंत्र के हिसाब से लोगों तक किसी कोई भी सूचना नहीं है, इसके लिए नई जो सरकार बनी है वो क्या अमल करेगी? इस बात को हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे धार्मिक संस्थान ऐसे नहीं रहने चाहिए। आखिरकार जो लोग उसमें योगदान देते हैं, सहयोग देते हैं, श्रद्धा का उसमें भाव होता है और उस भाव के कारण वहां पर विकास देते हैं, उसका दुरुपयोग न हो एक बात, और उसका वो पैसा जो है पब्लिक अकाउंट में किसी प्रकार से आ सके और उसके साथ साथ में वो विकास के कार्य में लग सके, उस क्षेत्र के विकास में लग सके और उस प्रांगण के विकास में लग सके, उस दृष्टि से हम उसको सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसी परिस्थिति अगर कोई विशेष आपके ध्यान में आएगी उसको हम बताएं। गौगंगा गायत्री में भाजपा और काफी विशेष ध्यान देती है, तो क्या ऐसा माना जाए कि जो लावारिस जो पशु पहले ही कह दिया कि हमने कैबिनेट सब कमेटी पहली कैबिनेट मीटिंग में हमने गठित की है, उसमें हमने कहा कि जो हमारा गौवंश सड़क पर चढ़ाई पर
घायल अवस्था में चलती अवस्था में हमने देखा तो बड़ा पीड़ादायक हमारे लिए वो दृश्य रहता है देखने के लिए, और उसमें हम सुनिश्चित करेंगे कि जो मंदिर हैं, ट्रस्ट हैं, एनजीओज हैं, पंचायती राज संस्थान के चुने प्रतिनिधि हैं और स्वेच्छा से जो लोग उसमें सहयोग दे सकते हैं वो आगे बढ़े और आगे बढ़कर के जो है हम उनको उनकी रक्षा सुरक्षा की कोशिश करें। थैंक यू।